अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी फेमस सेवइयों का मीठा, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम सेवइयाँ ली है। अब हम गैस का फ्लेम में ऑन कर कर इसमें हम ऐड करेंगे घी। आप चाहे तो इसे देसी घी में या कुकिंग ऑयल में, जिसमें भी चाहे आप डाला घी में भी बना सकते हैं। 150 ml के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसमें हम सेवियों किस तरीके से हम छोटे टुकड़े बना लेंगे। ये भुनी हुई सेवी है, बाज़ार में बिल्कुल आसानी से मिलती है। अगर आप वाइट सेवी का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट सेवी भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से हिलाते हुए, लगातार चलाते हुए हल्की सी गोल्डन कलर की होने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए, लगातार हमने चलाते हैं ये सेवइयों को अच्छे से इसमें तल लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, पूरे सेवइयों को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आधे मैंने पहले तल लिए थे, आधे मैंने बाद में। और घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, घी या तेल, इसकी क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए कि सेवइयाँ इसमें अच्छे से तल सके। दूसरी बार के भी इसी तरीके से हम तल लेंगे। सेवइयाँ हमने अच्छे से तल कर निकाल लिया है। हम इसी में अब शक्कर ऐड करेंगे। सेवइयाँ हमारे 200 ग्राम है और शक्कर को मैंने 400 ग्राम लिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसमें हमने 400 ग्राम चीनी को ऐड कर लिया। अब हम इसमें 1.5 गिलास के करीब वाटर ऐड करेंगे। गिलास मैंने वाटर इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रूट कलर। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो ही ऐड कीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डालेंगे तो सेवइयों का मीठे का रंग बहुत ही अच्छा सा आएगा। थोड़ी सी किशमिश मैंने ले लिया है, इसे भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने तली हुई सेवइयाँ जो रखी थी, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, इस शीरे में ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 0.5 लीटर या 250 ml मिल्क ऐड करेंगे हम। उसके बाद हम इसमें 100 ग्राम के करीब खोवा ऐड करेंगे। खोवा डालने से सेवइयों का मीठे का मज़ा बहुत ही अच्छा सा आता है और बहुत ही मज़ेदार सी लगता है हमें ये मीठा। देखिए, मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसे थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर मैंने इस तरीके से, या आप पिसा हुआ है तो आधा टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर इसे ढककर एक 5 मिनट के लिए हम पका लें। ये देखिए, मैंने 5 मिनट कहा था, इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख कर हमने इसे पका लिया है। सेवइयों में से पूरा शीरा हमारा अच्छे से सेवइयों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे गैस का फ्लेम में 1-2 मिनट पकाकर गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से हम गैस पर चिल्ले पर छोड़ देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर ये देखिए, सेवइयों के मीठे को हमने गैस ऑफ कर इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे सेवइयों का मीठा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, सेवइयों का मीठा तो हमारा बन चुका है। इस तरीके से मैंने काजू और बादाम को इस तरीके से बारीक पीसेस में कट कर लिया है। इसे इस तरीके से हम इसे अच्छे से सजा लेंगे इसके साइडों में। इससे अच्छे से हम, आप जिस तरीके से पसंद करते हैं उस तरीके से ऐड कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने काजू और बादाम को इस तरीके से साइडों में इसे डाल लिया है और हमारा परफेक्टली सेवइयों का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी
फेस्टिवल पर बना सकते हैं। ख़ास तौर से रमज़ान में बनाया जाता है ये मीठा। जब भी आपका मन की करा आप इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाते वक्त दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिए। सेवैयाँ हमें अच्छे से घी या तेल जिसमें भी हम तल रहे हैं इसे अच्छे से तल कर निकालना चाहिए, और पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम लीजिए। और इसे पकने के बाद आप आधा घंटा या 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।